हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं इच्क्या किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमजान स्पेशल रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे थ्रेड चिकन, क्रिस्पी थ्रेड चिकन हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। रमज़ान में जो अफ्तार का मार्केट लगता है ना, उसमें आप लोग को हर जगह ये देखने मिलेगा। आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप के। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन का मसाला रेडी करेंगे, क्योंकि इसे हमें मैरिनेट करना होगा। एक बाउल में मैंने एक अंडा तोड़कर ऐड कर दिया है। उसी के साथ कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें कि मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब। ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसमें। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है। थोड़ा कम ही डालना है नमक। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है भुना कूटा जीरा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून के करीब। अब यहाँ पे मैंने डार्क वाला सोया सॉस लिया है। अगर आपके पास डार्क वाला नहीं है तो नॉर्मल जो रेगुलर वाला होता है वो 2 टीस्पून भर के डालना है। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के। और यहाँ पे सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे मैरिनेशन का जो मसाला है वो बन के रेडी हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल देंगे 2 टीस्पून भर के। तो देखिए, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट से बन भी जाता है। अब यहाँ पर हमारा मैरिनेशन का मसाला रेडी हो चुका है। बोनलेस चिकन मैंने लिया था, इसके इस तरीके से स्ट्रिप्स कट करना है। और मसाले में हम डाल देंगे जितने भी स्ट्रिप्स है। तो सब चीज़ों को, मतलब कि मसालों को चिकन के साथ हम मिक्स कर लेंगे। और इसे आप चाहे तो ओवरनाइट रख सकते हो मैरिनेट करके, या तो 2 से 3 घंटा काफ़ी है, या अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास तो ऐसे भी आप इसे फ्राई कर सकते हो। लेकिन मैरिनेट करके अगर रखते हो तो चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चिकन सॉफ्ट बनता है। तो इसे मैं 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अब क्योंकि हम थ्रेड चिकन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें थ्रेड रेडी करना होगा। तो यहाँ पे समोसा शीट जो मार्केट में मिल जाते हैं ईजिली, वो मैंने लिया है। और इसे सबसे पहले हम अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसे अलग अलग कर लिया है, क्योंकि एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं। अब फिर से मैंने एक के ऊपर एक इसे रख कर हमें नाइफ़ की हेल्प से इसे कट करना होगा। इसके थ्रेड हमें निकालना होगा। देखिए, तो जितना बारीक हो सके उतना आपको बारीक कट करना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो थ्रेड है वो बन के रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं जब आप इसे फ्राई करोगे तो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून के करीब, और इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। अब बारी आती है चिकन को कोटिंग करने की। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। 3 घंटा मैंने उसे छोड़ दिया था इसे ही मैरिनेट करके। और एक एक स्ट्रिप्स हम लेंगे, इस तरीके से रख देंगे, और अच्छे से इसे हाथों से प्रेस करके हम इसे स्टिक करेंगे। देखिए, तो इसे अलट पलट करके हम अच्छे से स्टिक कर लेंगे, देखिए, ताकि ये निकले ना, जो थ्रेड हमने बनाया है वो निकले ना। इसके ऊपर स्टिक करना है। तो यहाँ पे लच्छेदार बन के रेडी हो जाता है हमारा थ्रेड चिकन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो इसे मैं साइड में रख दूंगी, और जितने भी स्ट्रिप्स है सब इसी तरीके से हमें करना है कोटिंग। और आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। स्टेज पर आने के बाद आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो 1 मंथ के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रीजर में रखना है, नीचे फ्रिज में नहीं रखना है, और एक के ऊपर एक नहीं रखना है। बीच में पॉलीथीन का बैग या बटर पेपर का इस्तेमाल करना है, और कोई भी एयर टाइट कंटेनर में आपको भर के रख देना है। और जब भी फ्राई करना है तो आधा घंटा पहले निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर इसे फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ऑयल को, नहीं तो ये जाते साथ ही जल जाएगा, क्योंकि समोसा शीट्स का इस्तेमाल हमने किया है और फटाफट से वो जल जाता है। तो इसके लिए हल्का गर्म हो जाएगा जब ऑयल, तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे आराम से पेशेंस रखकर फ्राई कर लेंगे। तो हल्का गोल्डन कलर आएगा, तो हम इसे पलट देंगे। देखिए, तो एक साइड से हो गया था, इसे मैंने पलट दिया है। दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हल्का गोल्डन कलर आने तक ही हमें फ्राई करना है। और चिकन अंदर तक पक भी जाता है अगर लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई करते हो तो। दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से
फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, चिकन भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। तो एक स्पून पर हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे, जाली वाला स्पून है तो बहुत ही अच्छी बात है, या टिश्यू पेपर पे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े का क्रिस्पी थ्रेड चिकन बनके रेडी हो गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं तोड़कर बताती हूँ। तो आप लोग भी इस रमज़ान में इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।